Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज का टॉपिक है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों इसी प्रकार से हमारा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी इनपुट हो या कोई भी आउटपुट हो, जैसे हमारा एक सॉकेट होता है, तो हमें इस पर स्विच में क्या होता है कि जब हमें इनपुट कनेक्ट करना होता है या फिर आउटपुट कनेक्ट करना होता है तो हमें दो वायर यहाँ पर लेना पड़ता है, और अगर हमारे पास प्लग है तो भी हमें दो वायर के साथ में इसके पिन को क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ट्रांजिस्टर में हमारे पास तीन टर्मिनल होते हैं, जिसमें से हम किसी एक को दोनों साइड हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ रखते हैं, यानी कि कॉमन कर लेते हैं। इसी कारण से इसका नाम पड़ा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों जिस टर्मिनल को हम कॉमन करते हैं उसी टर्मिनल के आधार पर हम उसका नाम रखते हैं। अगर हमारा एमीटर कॉमन है दोनों साइड तो हम उसे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अगर हमारा बेस कॉमन है तो हम क्या कहेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारा कलेक्टर कॉमन है तो हम बोलेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है दोस्तों? जो ट्रांजिस्टर होता है इसको, जो इनपुट साइड होता है उसको हम पोर्ट वन, और जो आउटपुट साइड होता है उसे हम पोर्ट टू कहते हैं। और दोस्तों पोर्ट वन, एक पोर्ट में हमारे दो वायर होते हैं, एक पोर्ट में दो वायर अर्थात टू पोर्ट में चार वायर। क्लियर है? एक पोर्ट में दो वायर तो दो पोर्ट में चार वायर हमारे होते हैं। ये सर्किट हमारे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। दोस्तों ये हमारा बेस है, ये हमारा एमीटर है, और ये हमारा कलेक्टर है। दोस्तों जो बेस है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यह हमारा आउटपुट में भी है और इनपुट में भी है। दोस्तों बेस जो है इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन होने के कारण इसका नाम पड़ा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है दोस्तों, इनपुट साइड में हमारा एमीटर करंट IE और VEB, यानी कि बेस और एमीटर वोल्टेज होगा हमारा वेरिएबल होगा, और इसी तरह से हमारे आउटपुट साइड का करंट IC और VCC ये क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा, यानी कि बेस और कलेक्टर वोल्टेज हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्लियर है दोस्तों? इस कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो हमारा इनपुट साइड होता है उसको हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं, और जो हमारा आउटपुट साइड होता है उसको हम रिवर्स बायस में रखते हैं। क्लियर है? एम्पलीफायर के केस में क्या करते हैं, हम इसको फॉरवर्ड करते हैं और इसको हम रिवर्स करते हैं। दोस्तों ये कौन सा ट्रांजिस्टर है इसकी बायसिंग को देख के बता सकते हैं हम लोग? दोस्तों ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? NPN ट्रांजिस्टर है। बेस जो है हमारा पी टाइप मटेरियल से बना है, एमीटर और कलेक्टर हमारे एन टाइप मटेरियल से मिलके बने हैं। ठीक है, इसके कारण से एन और पी को हम क्या किए हैं, फॉरवर्ड बायस किए हैं, क्योंकि बेस जो हमारा पी से है तो पी को हम पॉजिटिव से, और एमीटर हमारा एन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको निगेटिव से, तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस। अब इसको हमें रिवर्स बायस करना है, तो ये हमारा पी है यानी कि पॉजिटिव, तो इसको हम कर देंगे निगेटिव, और ये यहाँ पर है एन टाइप मटेरियल यानी कि निगेटिव, तो इसको हम कर देंगे पॉजिटिव, तो ये हमारा हो जाएगा रिवर्स बायस। क्लियर है? अब दोस्तों इसमें जो एक टर्म्स आता है हमारा लीकेज करंट। क्लियर है? लीकेज करंट यानी कि जब हम कॉमन एमिटर के केस जब स्टडी कर रहे थे तो उसमें जो लीकेज करंट था वो हमारा था ICEO, यानी कि उसमें जो हमारी लीकेज धारा थी वो हमारी कलेक्टर से एमिटर की तरफ थी। ठीक है, यानी कि एमिटर से कलेक्टर की तरफ वो क्या कर रही थी, फ्लो कर रही थी। इसी प्रकार से हमारा इसमें जो धारा होगी वो होगी हमारा ICBO। कौन सी धारा होगी? ICBO, कलेक्टर टू बेस करंट। क्लियर है? जो लीकेज धारा होगी वो हमारी होगी कलेक्टर टू बेस करंट। कलेक्टर से बेस की तरफ जो हमारी लीकेज करंट का मान बढ़ता है कब, जब हमारा इनपुट क्या हो, ओपन हो,
जब इनपुट हमारा क्या हो, ओपन हो, अर्थात इस पर कोई भी वोल्टेज सोर्स सप्लाई ना हो, और उस समय अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो रिवर्स वोल्टेज जब बढ़ेगा तो हमारा लीकेज करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। दोस्तों जब हम एमीटर और बेस को ओपन सर्किट रखते हैं और कलेक्टर तथा बेस को क्या करेंगे, रिवर्स वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे, बेस और कलेक्टर के रिवर्स वोल्टेज का मान जब हम बढ़ाएंगे तो उसमें हमारी लीकेज धारा फ्लो करती है। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको फॉरवर्ड वोल्टेज और एक को हम रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास दो कंपोनेंट मिलते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट मिलते हैं, और वो दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं कि जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस समय क्या होता है फॉरवर्ड वोल्टेज के केस में कि जो हमारा एमीटर होता है, एमीटर से जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या करते हैं हमारे बेस के साथ, बेस में जो भी हमारे 2% इलेक्ट्रॉन या होल्स होते हैं वो डिपेंड करता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर पे। ठीक है, वो इन 2% के साथ मिलकर के क्या हो जाते हैं, रिकम्बिनेशन उनका हो जाता है, यानी कि वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो होते हैं वो हमारे कलेक्टर में चले जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है। ठीक है, तो एमीटर का करंट जो होता है, एमीटर करंट का वह भाग जो कलेक्टर तक पहुंचता है, क्लियर है, एमीटर करंट का वह भाग, एमीटर करंट का वह भाग जो कलेक्टर तक पहुंचता है। ठीक है, पहला फैक्टर तो ये हो गया, और दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर ये है हमारा कि जब हम इनपुट को ओपन करते हैं, अर्थात ओपन या फिर जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं हमारे आउटपुट पे, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी लीकेज धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जो कि कलेक्टर से बेस की तरफ होती है, कहाँ से होती है, कलेक्टर टू बेस। तो दोस्तों ये जो हमारा इक्वेशन लिखा गया है, ये जो हमारा टर्म लिखा गया है ICBO, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा करंट है कलेक्टर करंट, और ये बेस करंट, और ये जो है हमारा वो क्या है, लीकेज करंट। ठीक है, यानी कि जो हमारी धारा है वो हमारी कलेक्टर से बेस की तरफ है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हमने जब कॉमन एमीटर के केस में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बीटा डीसी लिया था, बीटा डीसी हमारा क्या था, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, लेकिन कॉमन बेस के केस में, कॉमन बेस के केस में हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को क्या लिखते हैं, अल्फा डीसी। दोस्तों ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में हमारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है उसको हम अल्फा डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन एमीटर के केस में हम बीटा डीसी से। क्लियर है, यहाँ पे जो हमारा है अल्फा डीसी बराबर आईसी माइनस ICBO अपॉन आईई। क्लियर है, ये वो है जो हमारे एमीटर करंट है जो हमारे कलेक्टर तक पहुँचती है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अल्फा डीसी बराबर होता है कि एमिटर करंट का वह भाग जो कलेक्टर तक पहुंचता है, तो क्या था वो आईसी माइनस ICBO अपॉन एमिटर करंट। क्लियर है दोस्तों, हम जानते हैं कि एमिटर करंट आईई बराबर क्या होता है, आईबी प्लस आईसी। क्लियर है, एमीटर करंट बराबर क्या होता है, आईई बराबर आईबी प्लस आईसी। क्लियर है दोस्तों, यही इक्वेशन जो है हमारा तीनों ट्रांजिस्टर के केस में क्या होगा, कॉमन होता है। ठीक है, इसी इक्वेशन को हमें तीनों ट्रांजिस्टर के केस में क्या करना है, फॉलो करना है, सॉरी तीनों कॉन्फ़िगरेशन के केस में। क्लियर है दोस्तों, आपको याद होगा कि जब हमने अल्फा बीटा अल्फा आईसी आईबीओ और ICBO में संबंध जब हम प्राप्त किए थे, तो बीटा फैक्टर के केस में हमारे आईसी की वैल्यू क्या आई थी, आईसी की वैल्यू आई थी उस समय आईसी इज इक्वल टू बीटा डीसी इनटू आईबी प्लस ICBO, ये क्वेश्चन हमारा आया था। सेम इस यही क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा कॉमन बेस के केस में रहेगा, लेकिन अंतर क्या होगा कि यहाँ पे जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो क्या है, अल्फ़ा है, इसलिए यहाँ पे आईसी बराबर हो जाएगा अल्फ़ा डीसी, करंट कौन सी है हमारी, आईई प्लस आईसीबी
वो लीकेज करंट। क्लियर है दोस्तों? अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में इसको मान लेते हैं वन और इसको मान लेते हैं टू। दोस्तों जो हमारा इक्वेशन, ठीक है, समीकरण वन में जो आई ई का मान है आई बी प्लस आई सी, उसको हम पुट करेंगे समीकरण टू में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। आई सी बराबर अल्फा डी सी ब्रैकेट में आई बी प्लस आई सी प्लस आई सी बी ओ। इसको सॉल्व करते हैं। आई सी बराबर अल्फा डी सी आई बी प्लस अल्फा डी सी आई सी प्लस आई सी बी ओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, आई सी के टर्म्स को हम एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई सी माइनस अल्फा डी सी आई सी इज इक्वल टू अल्फा डी सी आई बी प्लस आई सी बी ओ। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम आई सी को कॉमन कर लेते हैं। तो हो जाएगा आई सी बराबर वन माइनस अल्फा डी सी, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा डी सी आई बी प्लस आई सी बी ओ। अब हम क्या करेंगे कि वन माइनस अल्फा डी सी से हम भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा आई सी इज इक्वल टू अल्फा डी सी आई बी प्लस आई सी बी ओ। तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस अल्फा डी सी, और यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस अल्फा डी सी। क्लियर है दोस्तों? ये क्वेश्चन हमें कहीं पे मिल रहा था, जब हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे पिछले वीडियो में, तो बीटा इज इक्वल टू क्या था हमारा, अल्फ़ा अपॉन वन माइनस अल्फ़ा। ये क्वेश्चन हमें प्राप्त हो रहा था। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ पे भी अब क्या है, अल्फ़ा के टर्म्स को हटा के हमें क्या रखना है, बीटा की वैल्यू लानी है, और यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, बीटा के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है इससे हम सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो दोनों पक्षों में क्या होगा, अब वन जोड़ने पर दोनों पक्षों में वन जोड़ने पर, जब हम दोनों पक्षों में वन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस वन इज इक्वल टू अल्फ़ा वन माइनस अल्फा प्लस वन। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बीटा प्लस वन इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वन माइनस अल्फ़ा अपॉन वन माइनस अल्फ़ा। दोस्तों अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, बीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस अल्फ़ा, ये मिला। अब हम ये इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब हम इसको इसके जगह पे पुट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको यहाँ पे और यहाँ से इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वन अप आई सी, यहाँ पे हो जाएगा बीटा आई बी प्लस, ये हो जाएगा हमारा बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा कलेक्टर करंट मिलेगा वो हमारा ये होगा। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए पूछा गया था आरआरबी का जो एग्ज़ाम था भोपाल में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उसमें ही नहीं दोस्तों, और भी दो तीन एलएमआरसी में भी इसको पूछा गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको काफ़ी अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, थैंक यू। और दोस्तों साथ साथ एक और चीज़ कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे आरआरबी और डीएमआरसी में भी क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना ज़रूर, और इस इक्वेशन को याद कर लेना, ताकि जो भी हमारे आने वाले एग्जाम हैं उस पर्पज से ये जो समीकरण है वो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस पर और इस पर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो समीकरण है वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर है? थैंक यू दोस्तों।